आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और हम आज बात करेंगे एडिक्शंस के ऊपर, और रेबिका बताएंगे क्या उसमें पर्टिकुलर टॉपिक है आज का। जी बिल्कुल, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। और दोस्तों, आज एडिक्शंस में हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे इस जगत के लिए नमक बन सकते हैं। और साथ ही हम बात कर रहे हैं एडिक्शंस के बारे में कि हम एडिक्शंस में फंस जाते हैं, अलग अलग बुराइयों में हम फंस जाते हैं, फिर हम कैसे जगत का नमक बन सकते हैं। आई थिंक आज का एपिसोड बहुत अहम है, और जो आपने सवाल पूछा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम कह रहे हैं हम एडिक्शन में हैं, तो एक तरीके से हम तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी को ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि नमक का मतलब होता है, प्रभु ने वचन में इस्तेमाल करा है, नमक का मतलब है कि हम प्रिजर्व करें, थोड़ा सा एक स्वाद लाएं। मगर ये सब तो कुछ भी नहीं हो रहा है एडिक्शन में, बल्कि एडिक्शन में तो खोखलापन हो रहा है, स्वाद खराब हो रहा है, प्रिजर्वेशन तो ख़त्म ही हो गया है। मगर आज के इस एपिसोड का मतलब ये है कि हम बिल्कुल बेकाम से कार्य योग बने, बिल्कुल बेस्वाद से स्वादिष्ट बने। कैसे हो सकता है वो? जी बिल्कुल दोस्तों, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग बुराइयां हैं हमारे आसपास जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, जिन्हें हम एडिक्शंस कहते हैं। अगर आज आप और हम एडिक्शन से में फंसे हुए हैं, तो हम जानें कि प्रभु यीशु मसीह में हम हर एडिक्शन, हर लत पर छुटकारा पाते हैं, और वो ही हैं जो हमें इस जगत का नमक ठहराते हैं। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं अभिषेक चौरे से, जिनका जीवन बुरी संगति और बुरी आदतों से भरा हुआ था। क्या कभी इनके जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा? क्या परमेश्वर कभी इन्हें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्या ये इस संसार में नमक के समान बन दूसरों के जीवन में स्वाद लाने वाले बनेंगे, या इनका जीवन कड़वाहट ही फैलाएगा? आइए इनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी हम देखें और जानें कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। मैं कहीं सुना था कि रॉन्ग डायरेक्शन इन टॉप स्पीड, मतलब गलत रास्ते पर सबसे ज्यादा गति से आगे बढ़ना, तो मेरे साथ वैसा हो रहा था। दोस्तों के साथ शुरू हुई कभी कभार की आदत समय के साथ कब एक लत में बदल गई, अभिषेक चौरे को पता ही नहीं चला। मैं गाली गलौज भी करता था धीरे से, मैं स्मोकिंग भी चालू कर दिया, फिर मैं शराब भी पीने लगा, और फिर मैं ड्रग्स भी लेने लगा। मैं गुस्सा भी किया करता था बहुत ज़्यादा, और बहुत मारा पिटाई, बहुत लड़ाई झगड़ा भी किया करता था। कई बार अभिषेक के माता पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता चल चुका था इन बातों के बारे में, और मेरी बहुत बार पिटाई भी हुई है, और बहुत मुझे समझाया भी जाता था। इवन हम जिस एरिया में रह रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पापा मम्मी को जानते हैं, पापा क्योंकि पास्टर हैं और काफ़ी सारे क्रिश्चियंस रहते हैं। तो अब इस मोहल्ले में ऐसा करना और यहाँ लोगों की नज़रों में ना आना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो लोगों ने देखा, लोगों ने पापा को बोला, पापा कई बार निराश हो जाते थे घर आकर के। अभिषेक के गुस्से के कारण उनके साथ घूमने वाले दोस्त ही उन्हें मारना चाहते थे। कुछ समय के बाद दोस्तों से, जिनके साथ मैं रहता था, तो उनसे ही झगड़ा हो गया। तो वो अच्छे दोस्त नहीं थे, वो बहुत मारा पिटाई करने वाले, तो उन्होंने मेरे को ढूंढना चालू किया मारने के लिए। मेरे को काफ़ी कोशिश किया कि मुझे मारे, तो मम्मी पापा को ये बात पता चली, डर गए और मुझे उस कारण से कहीं और भेज दिया। कुछ दिनों बाद जब अभिषेक घर लौटे, तो उनके चाचा जी ने उनसे पूछा कि क्या वो बाइबल ट्रेनिंग करना चाहेंगे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में एक हफ्ते के बाद मुझे ना अंदर से ऐसा फील हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, और मैंने अपना बैकग्राउंड देखा कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं क्या हरकतें करता हूँ। वो सब देख करके मेरे अंदर एक थॉट आया कि परख कर जानो यहोवा कैसा भला है। साम 34 उसका 8 वर्स में लिखा हुआ है। तो ये वर्स आया मेरे अंदर, और मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार जाकर देखते हैं। और जैसे ये सोचा था, उनका फ़ोन फिर आया, बोले एक फॉर्म बचा हुआ है, क्या मैं भर दूँ? तो मैंने बोला ठीक है चाचा, आप भर दीजिए। बाइबल ट्रेनिंग के दौरान अभिषेक ने कुछ ऐसा सुना जिसने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक बाइबल वर्स भी है, वो ऐसा कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वो फिर किसी काम का नहीं होता। और मैं इस बात को समझा कि यदि परमेश्वर मुझसे ऐसी बात कर रहा है कि मैं पृथ्वी का नमक हूँ,
और नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं होता। यदि मेरा स्वाद बिगड़ रहा है तो फिर मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। उस दिन अभिषेक अपने घुटनों पर आए और अपना जीवन यीशु को दिया। मैंने पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में महसूस किया जब मैं समर्पण किया, घुटनों के बल प्रार्थना किया, रो रो के प्रभु के सामने कि प्रभु मेरा जीवन कैसा है। वो मेरा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि वहाँ पर मेरी लाइफ में जितनी भी बातें गुजरी है वो सब एक एक पन्ने की तरह सारी, जैसे इंसान की मृत्यु से पहले सब बातें दिखती है, तो वैसा मेरे लाइफ में मैंने जितनी भी गलत काम किया, जितनी भी गलत चीज़ें किया, वो सब एक एक पन्ने की तरह मेरे को दिखने लगी थी। और तब मैंने बहुत रोया प्रभु के सामने कि प्रभु ये सब मैं क्यों करता था। मैं बस ट्राई करने के लिए गया था वो ट्रेनिंग, पर मेरी लाइफ परमेश्वर ने वहाँ बदला। उस दिन से अभिषेक ने ऑनलाइन प्रार्थना सभा शुरू की और साथ ही अपने पिता के साथ उनकी मिनिस्ट्री में हाथ बटाया। आज हम ऐसा है कि कुछ बच्चे हैं मेरे साथ, कुछ यूथ हैं मेरे साथ, और ऑनलाइन हम लोग प्रार्थना करते हैं, वचनों से सीखते हैं एक दूसरे से, और प्रभु में बढ़ते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की मदद ऐसी आत्मिक तौर से हम करते हैं। पापा के साथ में संडे के दिन में आराधना करता हूँ, कई बार मैं प्रीच करता हूँ, कई बार पापा बिजी होते हैं तो मैं प्रीच करता हूँ, कई बार संडे सेशंस मैं लेता हूँ। सैटरडे फास्टिंग प्रेयर करवाते हैं हमारे यहाँ विश्वासियों के साथ, तो उसमें मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ। आज अभिषेक लत से आज़ाद जीवन जी रहे हैं और इसके लिए वो प्रभु को सारी महिमा देते हैं। थैंक यू वेरी मच अभिषेक, आपके जीवन से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जब हमारा जीवन परमेश्वर से बहुत दूर हो जाता है और बुराइयों में फंस जाता है, यू नो, और लोग हमसे कोई उम्मीद नहीं रखते, हम खुद अपने आप से कोई उम्मीद नहीं रखते, तब भी परमेश्वर हमसे उम्मीद रखते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने में सामर्थी हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन लाने में, बदलने में सामर्थी हैं और योग्य हैं। दोस्तों, हम लोग हमेशा अमूमन सवाल करते हैं, ये नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाते हैं। बाइबल में आप पढ़ेंगे, आपने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी होंगी नामुमकिन को मुमकिन होते हुए, मगर जब ये बात मेरे ऊपर आती है तब मैं हमेशा थोड़ा सा हिचकिचा जाता हूँ, हेजिटेट करता हूँ कि नहीं, ये नामुमकिन दूसरों के लिए मुमकिन हो सकता है मगर मेरे लिए नहीं होगा। मगर दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं कि मैं और आप कैसे नमक बन सकते हैं, और ख़ासतौर से एडिक्शन की जब मेन ओवरलेइंग जो टॉपिक है पूरे महीने का, उसके ऊपर अगर विचार करते हैं तो ये बात आती है कि अगर एडिक्ट है कोई व्यक्ति, क्या वो इतना सुधर सकता है कि वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए भी नमक बने? नमक का काम होता है प्रिजर्व करना और एक अच्छा सा स्वाद देना। तो क्या वो एडिक्ट एक दूसरों के लिए एक आशीष का कारण, दूसरों को प्रिजर्वेशन या उनको स्वाद देने का काम कर सकता है? हम लोग का सवाल हमेशा नामुमकिन रह सकता है, मगर प्रभु के वचन में एक ऐसा एडिक्ट ने पलटा और उसने बल्कि आशीष का कारण बना, उसको हम देखते हैं, उसके वचन के द्वारा से देखते हैं कि उसकी लाइफ में कैसा परिवर्तन आया। वचन है प्रेरितों का काम 9:20 से लेकर 22, और वो तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहां भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शाऊल की, जो पॉल बन जाता है। शाऊल में एक नशा था जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स थे उनको पकड़कर अपने यहूदी महायाजकों के सामने ले जाकर पेश करना और जेल में डालना, एक तरीके से नशा हो गया था, क्योंकि वो उन लोगों को अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा या अपने काम के द्वारा ऐसा हेट करने लगा था कि मैं ये यीशु मसीह के फॉलोअर्स को बंद कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। मगर आपको मालूम है कि दमिश्क के रास्ते पर जाकर प्रभु यीशु मसीह उसे दर्शन देते हैं और उस दर्शन में उसकी आँख खुल जाती है और वो प्रभु यीशु मसीह के करीब आता है और पूरा मन से परिवर्तित हो जाता है, और अब वो यीशु मसीह के अगेंस्ट नहीं, यीशु मसीह का चेला बन जाता है, उनकी सेवा में आता है, लोगों को यीशु मसीह की तरफ लेकर आता है।
तो जो व्यक्ति स्वादिष्ट नहीं था, जो व्यक्ति आशीष का कारण नहीं था, वो स्वादिष्ट बन जाता है यीशु मसीह के लिए, वो आशीष का कारण बन जाता है यीशु मसीह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में दखल दिया। मैं उम्मीद करता हूं भाई और बहनों कि आप और मैं भी शाऊल की तरह पॉल बन जाएं। जो चीजें मैं और आप नामुमकिन समझते थे, वो मेरे और आपके लिए मुमकिन हो सकती है जब प्रभु को मैं अपने जिंदगी में आमंत्रित करता हूं कि प्रभु जी मेरी जिंदगी को बदलें और मुझे आपके राज्य के लिए नमक का कार्य करने दें। और आप देखिए, हो सकता है कि कभी कोई एडिक्ट रहा हो, उसने एक बहुत कठिन समय बिताया हो, मगर आज वो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। और ये प्रभु की सामर्थ है जो प्रभु योग्यता से नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो कि मेरे और आपकी ज़िंदगी में मुमकिन हो सकती है। जी बिल्कुल दोस्तों, हो सकता है कि आज अपनी एडिक्शन या लत की वजह से आप एक ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं जहां आपको कोई आशा नज़र नहीं आ रही है, आप शायद एक आशाहीन परिस्थिति में हैं। आज मानव ने परमेश्वर के वचनों से हमें इनकरेज किया और हमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह में हमेशा आशा है, आपके लिए आशा है, आप उस एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, और आप भी इस धरती का नमक बन सकते हैं, जगत की ज्योति बन सकते हैं। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी इन स्ट्रगल्स में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers। यहाँ जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं और इससे आप बहुत मदद पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग के साथ हम लोग प्रार्थना भी करना चाहेंगे आपके लिए, और प्रार्थना में आप हमारे से जुड़ सकते हैं, हमें फोन भी कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है ENC प्रेयर लाइन 9910404010, याद रखिएगा 9910404010। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सौरभ मल्होत्रा से, जो देहरादून के निजात डी एडिक्शन सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और ये हमें कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसके द्वारा हम एडिक्शन के इर्द गिर्द जो हमारी सोच है इसे बदल सकते हैं। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, सेंट पैट्रिक्स चर्च बेंगलुरु, सेंट उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल नागपुर और सेंट थॉमस स्कूल गाजियाबाद से, और साथ ही अजमेर से खूबसूरत कव्वाली सुनी। यीशु जिंदा हुआ, हाय दुख में खुदा, यीशु जिंदा हुआ। इन गीतों को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर। देश विदेश से कॉयर्स देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करते हैं कि हम अपनी लतों में से बाहर आएं और हमारे जीवन को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पृथ्वी के नमक बने और अपने स्वाद से हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की आज़ादी को लेकर के आएं। वाकई में गॉड्स ग्रेस नोज नो बाउंड इवन इन द डेप्थ ऑफ एडिक्शन। बिल्कुल लत की बुरी हालत में भी वो हमें परिवर्तित कर सकते हैं। हिज ट्रांसफॉर्मेशन पावर कैन रियली शाइन ब्राइट। यस, बिल्कुल सच कहा आपने मानव, क्योंकि जहाँ अंधकार है वहाँ परमेश्वर की ज्योति और जोर से चमकती है, और जहाँ कड़वाहट है वही परमेश्वर अपने प्रेम के स्वाद को हमारे जीवन में खोल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम खास सेगमेंट में गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि ये एडिक्शन कैसे होता है और इसके चंगुल से कैसे बाहर निकलते हैं। हम मिलते हैं निजात अल्कोहल एंड ड्रग डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर सौरभ मल्होत्रा से। लत किसी बाहरी हालातों से नहीं लगती, लत एक संकेत है कि मैं भावनात्मक तौर पर ठीक नहीं हूँ। ये एक अंदरूनी काम है, यही वजह है कि लत एक बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संस्थान और दुनिया भर के लगभग सभी मेडिकल बिरादरी इसे एक बीमारी के तौर पर पहचान दिलाते हैं। इसके दो बड़े भाग हैं, एक शारीरिक निर्भरता और दूसरा है मानसिक धुन, मानसिक निर्भरता, भावनात्मक निर्भरता।
जरूरी चीज जो देखने वाली है कि क्यों एक इंसान किसी चीज पर निर्भर रहता है। ये एक आदत नहीं है बल्कि एक भावनात्मक जरूरत है। अगर मुझे चीज नहीं मिली तो मैं बेचैन महसूस करता हूँ, मैं असहज महसूस करता हूँ, परेशानी तो है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो तनाव के साथ जी रहा है। जब तक मैं अपने तनाव को पहचानना सीख नहीं लेता और उसे सुलझा नहीं लेता, ढाल नहीं लेता, साधारण स्थिति की ओर नहीं बढ़ता, इमोशनली रिलैक्स नहीं करता, तब तक मैं इस चीज को नहीं छोड़ सकता। ये वो संकेत हैं जिसे हमें देखना चाहिए। और अगर दिक्कत है फिर भी उस चीज के बिना जीना संभव है, बिना उस चीज के सामान्य रूप से जीवन जीना मुमकिन है। आपको वापस भूख लगने लगती है, नींद आने लगती है और ऑफिस जाने की क्षमता या जिम्मेदारी को पूरी करने की क्षमता वापस आ जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आम जिंदगी में वापसी चीजों के इस्तेमाल के बिना 100% मुमकिन है। बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि एक एडिक्शन एक बीमारी है। एंड जैसे हम जानते हैं बीमारी जो बेसिकली एक नीड को पूरी करती है जो कि हमें एक एडिक्ट बना देती है। और इसकी जड़ जो है वो पाप है, सिन है। एंड इसका इलाज मौजूद है, इसका इलाज प्रभु में है। और वाकई में थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा मगर इलाज वाकई में पॉसिबल है। बिल्कुल दोस्तों, हम अपनी एडिक्शंस में से बाहर आ सकते हैं, परमेश्वर की मदद से हम इनसे आज़ाद हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी इस स्ट्रगल में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और अपने लिए एक फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक करें। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई ऐसे हैं जो किसी लत का शिकार हैं, या कोई आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके कोई एक्सटेंडेड फैमिलीज में कोई हैं जो शायद इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और शायद उन्हें मदद की ज़रूरत है, तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और आप उनके लिए भी फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और हम आज बात करेंगे एडिक्शंस के ऊपर और रेबेका बताएंगे क्या उसमें पर्टिकुलर टॉपिक है आज का। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी एडिक्शन सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर हमें हर एडिक्शन से छुटकारा दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब हम उनके पास आते हैं वो हमारे जीवन को बदल देते हैं और आशीषित करते हैं। वो हमें इस धरती के नमक के समान बना देते हैं जो औरों के लिए भी एक आशीष का कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु हमें परिवर्तित देखना चाहते हैं और आज यही समय होगा कि हम प्रभु के पास जाएं, अपने सवालों को लेके जाएं, अपने आप को लेके जाएं, ताकि प्रभु उसमें परिवर्तन ला सकें, एक हमें समझ दे सकें। तो आइए हम चलते हैं कोई शक में। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस। आपके सवालों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे दर्शक आज हमसे पूछ रहे हैं, Why did God allow me to become an addict? परमेश्वर ने मुझे एक addict बनने क्यों दिया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया ताकि मैं एक addict बन जाऊं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ना कभी होता है। प्रभु बल्कि हमें बहुत प्रेम से हमें अपने choices लेने का मौका देता है। यही चीज़ मौजूद थी गार्डन ऑफ ईडन में। अगर उत्पत्ति में देखें, वहाँ पर उसने एक पेड़ लगाया था, वहाँ पे फल लगाया था और एडम एंड ईव से कहा था कि इसको नहीं खाना है, मगर उस चॉइस का उल्लंघन करा उन लोग ने अपनी चलाई शैतान के बहकावे में आकर। और यही चीज़ एडिक्शन में होता है। हमारे पास चॉइस होता है टू गेट इनटू एडिक्शन और नॉट। प्रभु का वचन भी बोलता है 1 कुरिन्थियों 10:13 में कि प्रभु हमें कोई भी एक ऐसी चीज़ में टेम्पटेशन में नहीं पड़ने देता है जो हम लोग उसको झेल ना पाएं या हम उसका सामना ना कर पाएं। वो हमेशा बचाव देता है। वही चीज़ टेम्पटेशन लत को लेकर है, एडिक्शन को लेकर है।
तो प्रभु हमें कभी जानबूझकर नहीं छोड़ेगा कि हम एडिक्शन में जाएं, बल्कि इसका जवाब यह है कि प्रभु हमें फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है। हमारा चॉइस हो सकता है गलत है, और यहीं पर मैं आपसे कहूंगा कि हम अपनी कमी को माने और प्रभु के पास सही चॉइस के ले जाएं। जी बिल्कुल, जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं तब आप अपने जीवन में सही चॉइसेस कर पाते हैं, इसलिए आप बाइबल जरूर पढ़ें। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल, और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई फाइंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू ओवरकम एडिक्शन। मैं एडिक्शन पर जय पाने के लिए आत्मिक सामर्थ्य और योग्यता कैसे पा सकता हूँ? दोस्तों, ये सवाल का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश ये है कि इसमें आत्मिकता लेकर आए, क्योंकि हमेशा हम एडिक्शन को एक बीमारी के तौर से लेकर चलते हैं जो कि शारीरिक रीति से या इवन मानसिक रीति से, मगर इसमें एक स्पिरिचुअल एलिमेंट भी है, और वो स्पिरिचुअल एलिमेंट का इन्होंने क्वेश्चन करा है, बहुत अच्छी बात है। इफिसियों 6:18 में लिखा है कि हर चीज़ को हम प्रभु के पास प्रार्थना में लेके जाएं, और ये माने कि हमारी जो जंग है वो एक आत्मिक लेवल पर भी है जहाँ पर हम एडिक्शन में फंस गए हैं, क्योंकि एडिक्शन इज अ केस ऑफ डिसऑर्डर्ड वर्शिप, अनप्रायोरिटाइज्ड वर्शिप। हम महिमा दे रहे हैं उस वस्तु को, उस समझ को, उस आदत को, उस पदार्थ को जो कि प्रभु नहीं है, वो आइडल बन गया है हमारे लिए। और इसमें एक स्पिरिचुअल एलिमेंट भी आना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु को लेकर आए हमारी जंग में, और प्रभु से कहें इस जंग में आप फतेह हासिल करें, आप विजय हासिल करें, क्योंकि ये मेरे बूते की बात नहीं है, ना मेरी शारीरिक बूते की बात है, ना मेरी मानसिक बूते की बात है। तो इसमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, एंड ही विल हेल्प अस ओवरकम दैट। जी बिल्कुल दोस्तों, वचन हमें कहता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जो भी आपकी ज़रूरत है परमेश्वर के पास आए, और वो हमारी पुकार सुनता है और उसका जवाब देता है। और दोस्तों साथ ही अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं, ज़रूर आप हमसे पूछें। आप एक नई जिंदगी प्रेरलाइन नंबर पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, या एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप इस समय में काउंसलिंग चाहते हैं, और जो भी आपकी मुश्किलें हैं, जो आपकी स्ट्रगल्स हैं, संघर्ष हैं, इनमें अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers, जहाँ जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम प्रार्थना की, और इस समय होगा कि हम प्रार्थना भी करें, और ख़ास तौर से उस विषय के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे नमक की तौर से उन व्यक्तियों के लिए खास जो आज एडिक्शन में फंसे हुए हैं, और प्रभु इनफैक्ट उन व्यक्तियों के लिए काम करे जो एडिक्शन में फंसे हैं, कि वो ऐसे परिवर्तित हों कि वो आशीष का कारण बने, वो नमक बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप धनी परमेश्वर हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो राख को उठाकर जीवित बना दें, जो मृत शरीर को जीवितता दे दें, वो जो बीमारी है उसको अपनी चंगाई देकर अपनी सांस भर दें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो इस समय एडिक्शन में फंसे हैं अलग अलग चीज़ों की, और वो डिसऑर्डर्ड वर्शिप है, मगर वो वर्शिप तो करना चाहते हैं मगर उनको पता नहीं है। प्रभु जी, आप अपनी समझ की ज्योति उन्हें दें ताकि वो वर्शिप सही जगह पे कर सकें, और जिस चंगुल में फंसे हैं गलत वर्शिप के, वहाँ से वो निकल सकें। प्रभु जी, प्रभु जी, ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके ऊपर जब आपकी उपस्थिति आए तो वो साउल जो पॉल बन गया था वैसे ही उनके साथ एक एक्सपीरियंस हो और पूर्णता से परिवर्तन हो, और वो एक सिर्फ परिवर्तित ही ना रहें बल्कि एक आशीष और बरकत का कारण बने बहुत सारे लोगों के लिए, और वो लोगों की परिवर्तन का एक एक नीति बने, रास्ता बने। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस समय बहुत सारे लोगों के आप ऊपर चंगाई का हाथ रखें और हृदय में परिवर्तन लाएं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थनाओं को मानते हैं, आमेन। आमेन। दोस्तों, ये समय इसी बात को दर्शाता है कि हम प्रभु के सामने प्रार्थना में लगे रहें, चाहे कैसी भी गंभीर समस्या हो, प्रभु उसका रास्ता ज़रूर निकालेगा, बल्कि उसको पलट कर हमें एक ऐसी परिवर्तित जीवन देगा जिसकी हम मनोकामना ही करते थे सिर्फ। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर सत्य है, और सत्य हमें आज़ाद करता है, हर एडिक्शन से हमें आज़ाद करता है। आइए इस समय हम देखें कि परमेश्वर के सत्य वचन हमें क्या बता रहे हैं। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु की शरण में आता है।
भजन संहिता 34:8। दोस्तों कितना मधुर वचन है, चख कर देखो, परख कर देखो। इसका मतलब प्रभु ने आप में और मेरे में एक समझ डाली है जिसमें हम चखें परखें और सही गलत की समझ है हम में, और हम चख कर परख कर कहें कि हाँ ये वाली समझ जो सही है वो है प्रभु। क्योंकि दुनिया भर की चीज़ों को हम परखते हैं चखते हैं और हमें उसमें सेटिस्फाइड होना पड़ता है क्योंकि हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं। प्रिय दोस्तों ये वचन आपको बता रहा है कि आप प्रभु के पास आए और प्रभु की शरण में आए, आप देखिए प्रभु कितना भला है आपके लिए। जी और दोस्तों समय है कि हम सुनेंगे ये गीत टू कीप योर लवली फेस एवर बिफोर माई आईज। हम हमेशा परमेश्वर को अपनी नजरों के आगे रखें और परमेश्वर को हम ताकते रहें, तब हम गलत आदतों में नहीं फंसेंगे। दोस्तों ये गीत आज हमारे लिए गा रही है सेंट पैट्रिक्स चर्च की क्वायर। आइए इस गीत से हम सब आशीष पाएं। सेंट पैट्रिक्स चर्च क्वायर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस गीत के लिए जो आपने हमारे लिए गाया। बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत है, इसके बोल बहुत ही सुंदर हैं और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कल है बुधवार तो हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।